स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्त आज हम जानेंगे वोल्टेज और करंट में डेंजर कौन है, हमें वोल्टेज से बचना चाहिए या करंट से। साथ में दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि वोल्टेज और करंट किसे कहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं वोल्टेज के बारे में कि वोल्टेज क्या होता है। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वोल्टेज इज ए प्रेशर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पावर सोर्स डैट पुश चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, या कहें तो करंट थ्रू ए कंडक्टिंग लूप इनेबलिंग देम टू डू वर्क सच एन इमिनेटिंग लाइट। कहने का मतलब दोस्त यह है कि वोल्टेज जो होता है यह एक प्रकार का प्रेशर होता है जो सर्किट में जो पावर हम सप्लाई देते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या जो चार्ज होता है उसको ये धक्का देता है, जिसके कारण से क्लोज लूप में ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। घूमने के कारण से जो वर्क डन होता है यानी जो लाइट होता है या जो फैन होता है वो अपना काम करना शुरू करता है। जैसे कि सर्किट में लाइट लगा है, जैसे ये दोस्त इस सर्किट में घूमना स्टार्ट करेंगे तो इस कारण से ये जो चार्ज है दोस्त, इस चार्ज के कारण से ये बल्ब हमारा ग्लो करेगा। उसके बाद हम करंट के बारे में जान लेते हैं, करंट किसे हम कहते हैं। तो करंट जो है वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू ए कंडक्टर दैट इज कॉल्ड करंट। यानी कहने का मतलब दोस्त यह है कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर के माध्यम से फ्लो करता है तो उसे हम करंट कहते हैं। हमारा जो मेन क्वेश्चन है दोस्त इसके ऊपर हम आते हैं कि वोल्टेज और करंट में कौन ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक है, किससे हमें बचना चाहिए। तो दोस्त वोल्टेज अगर ज़्यादा भी हो और करंट जो है बहुत कम हो तो उससे हमें कोई डर नहीं है, लेकिन अगर वोल्टेज नॉर्मल हो 230 हो या कम हो लेकिन करंट बहुत ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में दोस्त हमें शॉक लग सकता है। तो दोस्त हमें वोल्टेज और करंट में हमें करंट से बचना चाहिए न कि वोल्टेज से। अगर वोल्टेज दोस्त 11 के भी जा रहा है या 440 वोल्ट जा रहा है लेकिन करंट का जो वैल्यू है वह मिली एम्पियर से भी बहुत कम है तो उस कंडीशन में आपको शॉक नहीं लगेगा। जैसे कि दोस्त हम टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं, आप इस सॉकेट में देख रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीमीटर में जो करंट दिखा रहा है दोस्त 230 दिखा रहा है। अगर हम डायरेक्ट इसमें कोई वायर के माध्यम से या अपने कोई भी फिंगर को इसमें टच करते हैं इस सॉकेट में तो हमें काफ़ी जोर का झटका लगता है, लेकिन दोस्त वही हम जब इस टेस्ट पेन को इसमें इस्तेमाल करते हैं तो हमें कोई शॉक नहीं लगता है, क्योंकि इसके अंदर जो ये LED आपको दिखाई दे रहा है दोस्त ये एक तरह का लोड हो गया और इसमें दोस्त ये रेजिस्टेंस लगा रहता है जिसके कारण से जो करंट का वैल्यू है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। और जब हम इस लीड को पकड़ते हैं यानी इस टेस्ट पेन को टॉप को जब हम अपने हाथ से टच करते हैं तो इसको अर्थिंग मिलता है जिसके कारण से ये LED जो लाइट है वो ग्लो करता है। अगर आप यहाँ वोल्टेज चेक करेंगे दोस्त तो अगर एक लीड को हम सॉकेट में डाल देते हैं और दूसरे लीड को दोस्त हम इस टेस्ट पेन के टॉप में कनेक्ट करके और इस पॉइंट को दोस्त हम जब सॉकेट में इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारा वोल्टेज हुआ 110 या 120 के आसपास आएगा, लेकिन दोस्त हमें शॉक नहीं लगता क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस होता है इसके अंदर लगा जो करंट के वैल्यू को काफ़ी रिड्यूस कर देता है। तो दोस्त इस पॉइंट से हमें क्लियर हो जाता है कि हमें वोल्टेज से नहीं बल्कि करंट से बचना चाहिए। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।